मानसून के साथ ही महानगर में जलभराव और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के असर को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के अतिथि गृह के सभागार में महानगर के चारों जोन के सफाई सुपरवाइजरों और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि जनपद की नदियाँ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही हैं। हावड़ बंधे पर 11 रेगुलेटर बने हुए हैं, उनमें से 4 रेगुलेटर सिंचाई विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए लगातार नगर निगम अपने रेगुलेटरों की सफाई का काम करा रहा है। इसके साथ साथ नगर निगम के जो स्थायी पंप हैं उनमें भी सफाई के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन के अंदर इन पंपों की सफाई पूरी तरह पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे पानी को खींच कर नदी में गिराने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही नालों की तलीजार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही 64 चिन्हित स्थलों पर जहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहाँ पर भी पंप लगाया गया है। उसके साथ ऑपरेटर तैनात किया गया है, जिससे जल जमाव की स्थिति में पंप चलाकर पानी को निकाल दिया जाए और जल जमाव ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। डायरेक्टिव नंबर 8 महेवा ट्रांसपोर्ट नगर, रेगुलेटर नंबर 6 5 नंबर रेगुलेटर नंबर 5 जैसा कि आपके संज्ञान में है, जनपद की जो 2 नदियां हैं, राप्ती नदी रोहिणी नदी, दोनों ही बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही हैं और इसकी वजह से जो हमारे हावड़ बंधे पर जो 11 रेगुलेटर बने हुए हैं उनमें से 4 रेगुलेटर सिंचाई विभाग के द्वारा बंद कर दिए गए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार इन रेगुलेटर्स की और जो वहाँ संपवेल बने हुए इनकी सफाई का काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे 10 स्थायी पॉइंट्स में संपवेल बने हुए हैं नगर निगम की सीमा के भीतर, उनको भी सफाई का निर्देश दिए गए हैं कि 1-2 दिन के भीतर इनको पूरी तरह से एक सफाई कर दी जाए, जिससे कि इनको भी पानी को खींच कर बंदे के ऊपर से नदी के में फेंकने में गिराने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ सभी इंस्पेक्टर साहबान और जोनल ऑफिसर आए हुए हैं कि जो हमारा नालों की जो तलीझाड़ सफाई का अभियान चल रहा है बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो जितने भी हमारी टीम हैं जो कि चाहे वो किसी अन्य कामों में लगी थी, जो एक दिन में वार्ड में सफाई करते हैं, इसके अलावा जैसे इमरजेंसी गैंग है, नाला सफाई गैंग है, स्थाई जो हमारे श्रमिक हैं नाला सफाई वाले, उनको सबको मतलब इसमें लगा दिया गया है इस वक्त जो है कि नाला की सफाई कराएं तेज़ी से और इसके साथ साथ जो सिल्ट निकल रही है तत्काल उसको उठाकर जो है सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दें, जिससे कि सिल्ट वापस बारिश होने पर वापस नाले पे ना जाने पावे और हमारी मेहनत ना बेकार होने पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को बुलाया गया है। हमारे जितने भी संपवेल हैं, रेगुलेटर्स हैं और जो 64 चिन्हित स्थायी स्थल हैं जहाँ की जल जमाव की हमारी संभावना है, वहाँ पर हमारे पंप लगा दिए गए हैं, उसमें आदमी भी तैनात कर दिए गए हैं और इस बात पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं से भी ऐसा लगता है कि वहाँ पानी अगर इकट्ठा हो सकता है तत्काल वहाँ पर उसको पंप को चला दें और उस पानी को बाहर निकाल दें। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक सेंसिटाइज करने के उद्देश्य से साथ ही साथ अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिन पहले जो दौरा हुआ था यहाँ पर जनपद में, उसमें उन्होंने बड़े सख्त निर्देश दिए थे कि जो हमारे ये कोरोना के जो
थर्ड वेव के आने की पूरी संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी किया जाए और उसमें हमारे जो 70 वार्ड में से जो कुछ खास वार्ड हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए, उनको विशेष रूप से वहाँ पर सैनिटाइजेशन का अभियान, फॉगिंग का अभियान, विशेष सफाई अभियान आदि को इसको चलाया जाए, जिससे कि वहाँ पर जो अन्य भी जो एक रोग होते हैं, इंसेफ्लाइटिस, जई आदि जो ये रोग हैं, उसकी पूरी तरह से जो है रोकथाम हो सके और जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं इससे प्रभावित ना हो सके। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और जो जुलाई 1 जुलाई से दस्तक अभियान संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाना है, ये उसके तहत भी तैयारी करने को दे सभी को एकत्र किया गया है, जिससे कि हम इन रोगों को पूरी तरह से इनका समूल नाश कर सकें। और जो हमारी एक जो सोच है नगर निगम की कि हमारा एक नगर निगम सुंदर स्वच्छ के साथ साथ स्वस्थ गोरखपुर भी बना रहे, इसी को लेकर ये बैठक आहूत की गई है।